नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा 2:30 बजे तक और राज्यसभा 3 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 2400 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज ताजिकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन आज 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। देश में अब तक 44,19,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% हुई। ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन महिलाओं की वेल्टरवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के ग्रुप ए के अंतिम मैच में ब्रिटेन के डेनलिन और सी वेंडी को हराया। और क्रिकेट में भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच 3 20-20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम कोलंबो में। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा 2:30 बजे तक और राज्यसभा 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तीसरे स्थगन के बाद 12:30 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने और अपने मुद्दे उचित तरीके से उठाने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। पहले स्थगन के बाद 12 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। डीएमके पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सदस्य भी अपने मुद्दे उठा रहे थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही भाषा पर आपत्ति व्यक्त की और विरोध कर रहे सदस्यों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये सदस्य कोविड नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। शोर शराबे के बीच उपसभापति हरवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के 2 चुने हुए कार्यकर्ता
15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों का दौरा करेंगे। वे प्रत्येक गांव में 75 घंटे बिताकर ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द यंग स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हु आर बीइंग कन्फर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज इन दिस कन्वोकेशन पोस्ट तय मुबारक। आई वुड लाइक टू टेल ईच ऑफ यू दैट योर क्वेस्ट फॉर लर्निंग एंड योर फेथ इन नॉलेज एज एन एजेंट ऑफ चेंज आर रियली इंस्पायरिंग। द क्रेडिट फॉर दिस ऑल्सो गोज टू द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। शिक्षा के प्राचीन केंद्र शारदा पीठ का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में करीब 50% लड़कियों का होना गर्व का विषय है। कश्मीर हैज ऑलवेज बीन नोन एज शारदा देश आफ्टर द इलस्ट्रियस शारदा पीठ विच वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट टाइम। इक्वली इंस्पायरिंग इज द सक्सेस ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। जस्ट अबाउट हाफ द स्टूडेंट्स रिसीविंग डिग्रीज टूडे आर वीमेन। नॉट ओनली दैट व्हेन इट कम्स टू गोल्ड मेडल्स आई एम टोल्ड 70% ऑफ द विनर्स आर वीमेन। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस दैट अवर डॉटर्स आर रेडी टू परफॉर्म एट द सेम लेवल एज अवर सन्स एंड समटाइम्स इवन बेटर। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिमालय के संरक्षण के लिए दो केंद्र बनाने की कश्मीर विश्वविद्यालय की पहल प्रशंसनीय है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हैज एडेड अनदर फीदर इन द कैप विद द सेटिंग अप ऑफ टू सेंटर्स दैट आर ऑफ हाई इम्पोर्टेंस। वन इज डिवोटेड टू ग्लेशियोलॉजी एंड द अदर टू हिमालयन बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन बायो प्रोस्पेक्शन एंड कंजर्वेशन। देन देयर इज ऑल्सो द नेशनल हिमालयन आइस कोर लैबोरेटरी। क्लाइमेट चेंज एज यू आर अवेयर इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज बिफोर ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी। ग्लोबल वार्मिंग इज मेकिंग इट्स इम्पैक्ट एवरीवेयर बट नोवेयर इज इट मोर फेल्ट देन इन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ द हिमालयाज। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दीज टू सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस एंड द लैबोरेटरी विल हेल्प कश्मीर एंड ऑल्सो शो द वे टू द वर्ल्ड इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चैलेंजेस एंड नर्चरिंग नेचर। I would like to encourage youngsters to take this opportunity provided by these platforms. They can look forward to a happy combination of a great cause and a great career. हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने कश्मीरी भाषा के कुछ शब्द बोलकर स्थानीय लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर उपस्थित श्रोताओं को कश्मीरी भाषा में बधाई दी। मैं सब उस खुशी तो है मिलित, जिसका अर्थ है कि उन्हें मिलकर उनको बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि उनको कश्मीर की इस भूमि पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई है जिसे संतों की भूमि ऋषिवर भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए वे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को शीघ्र ही इस सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से भरोसा करते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। राष्ट्रपति 25 जुलाई से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिन के दौरे पर हैं। वे कल बारामूला गए और करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र के लिए जीवन बलिदान करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसदों के मंच ने मिजोरम और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्रालय इस मुद्दे की निगरानी कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम हैज मेड एन अपील टू द पीपल ऑफ मिजोरम एंड पीपल ऑफ असम, पर्टिकुलरली पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज, टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। वी मस्ट ऑलवेज मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द 8 सिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड वी मस्ट एंश्योर कंप्लीट पीस ऑल अलोंग द बॉर्डर एरियाज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। ये नंबर है 7827170170।
इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को बधाई दी और कहा कि हेल्पलाइन महिलाओं को ये संदेश देती है कि जब भी उन्हें जरूरत होगी सरकार और आयोग उनके साथ देंगे। हेल्पलाइन प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के परिसर से संचालित होने वाली इस हेल्पलाइन पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला कॉल करके मदद ले सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना होंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से मिलेंगे। संगठन के देशों की जनसंख्या 3 अरब से अधिक है। ये संख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 50% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा 2:30 बजे तक और राज्यसभा 3 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज ताजिकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमरीका के विदेश मंत्री एंटोनी जे ब्लिंकन आज 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। देश में अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% हुई। ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन महिलाओं की वेल्टरवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के ग्रुप ए के अंतिम मैच में ब्रिटेन के डैन लिन और सी वेंडी को हराया। और क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच 3 20-20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम कोलंबो में। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन भारत के 2 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री ब्लिंकन के विदेश मंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री ब्लिंकन कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। दोनों पक्ष मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। चर्चा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी, जिसमें कोविड-19 महामारी से उबरना, हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग शामिल हैं। विदेश मंत्री ब्लिंकन का दौरा उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता को जारी रखने और भारत अमेरिकी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने का एक अवसर है। जनवरी में सत्ता में आने के बाद बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की यह तीसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मार्च में भारत का दौरा किया था, जबकि जलवायु परिवर्तन पर अमरीका के विशेष दूत जॉन केरी ने अप्रैल में नई दिल्ली की यात्रा की थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 3,98,100 मरीजों का उपचार चल रहा है।
124 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4 लाख से नीचे आई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.27% रह गई है। कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 45,91,00,000 से अधिक जांच की गई है। कल 17,20,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। केंद्र सरकार ने आज कहा कि उसने इस वर्ष जनवरी से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 45,70,00,000 कोविड के टीके उपलब्ध कराए हैं। इस महीने के अंत तक 6 करोड़ और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आशंकाओं का खंडन किया कि इस वर्ष जुलाई तक देश में 50 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। राज्य में अब तक लगभग 7,500 लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इस काम के लिए चालू वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में 300 करोड़ आवंटित किए हैं। कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय कोर समिति और संसदीय बोर्ड परामर्श से लेने में 3 या 4 दिन लग सकते हैं। एक रिपोर्ट। बीजेपी केंद्र वीक्षक आज दोपहर को बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं और राज्य केंद्र समिति और राज्य पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठक होने वाली है। केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्र वीक्षक के तौर पर आ रहे हैं। आज शाम 7 बजे राज्य विधायकों की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। कई बीजेपी नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आए हैं, मगर इसका उत्तर विधायकों की बैठक के उपरांत ही निकलने की संभावना है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा इसके ऊपर भी चर्चा जोरों पर है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश में आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन स्कीम देवारण्य योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ आजीविका को भी प्रोत्साहन देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में आरोग्य पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए गांवों में औषधीय पौधों की खेती की योजना बनाई गई है। प्रदेश में 360 से अधिक नए आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों को भी विकसित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आयुष और पर्यटन को एक साथ जोड़ा गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर बल के कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सीआरपीएफ देश में सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने शौर्य और पेशेवर काम के लिए जाना जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखकर सीआरपीएफ देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि वे एक प्रख्यात वैज्ञानिक और स्वप्नद्रष्टा स्टेट्समैन के साथ साथ एक महान इंसान थे। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में भारत को सुदृढ़ बनाने की दिशा में श्री कलाम के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि श्री कलाम ने हमेशा युवाओं को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सरकार कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश के कारण हुई घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों को 9-9 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की योजना बना रही है। बाढ़ प्रभावित सातारा जिले का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से, 2-2 लाख रुपए केंद्र सरकार और 2-2 लाख रुपए गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना से मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज खेले गए मुकाबले में बोरगोहेन ने जर्मनी के मुक्केबाज एपेडिस नदीम की 3-2 से पराजित किया। ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डैनलिन और सी वेंडी की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हरा दिया है। अन्य मुकाबलों में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में ई वेलारेविन और दिव्यांश पवार की जोड़ी तथा अंजुम मुदगिल और दीपक कुमार की जोड़ी हार कर बाहर हो गई हैं। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले में अचिन शरद कमल चीन के एम ए लॉन्ग से 4-1 से हार गए हैं। नौकायन में महिलाओं की रेजर रेडियल स्पर्धा में भारत की नेत्रा कुमानन अपनी चुनौती पेश कर रही हैं, वहीं पुरुषों में लेजर स्पर्धा में विष्णु सर्वानन अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में पोले के अपने तीसरे मुकाबले में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया। भारत की ओर से रुपिंदर पाल ने 2 जबकि सिमरनजीत ने 1 गोल किया। इससे पहले अपने दूसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 1 के मुकाबले 7 गोल से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अपने पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी थी। आज की जीत के साथ ही भारत पूल ए में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर हर रोज सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से हो रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRSportsCan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 MHz और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इससे पहले भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कई स्थानों पर बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में सामान्य बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।
श्रीनगर में गरज के साथ वर्षा हो सकती है और धूल भरी आंधी आ सकती है। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जम्मू में हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 26 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लेह में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ आंधी आ सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग और आइजोल में बादल छाए रहने और एक या दो स्थानों पर गरज से बारिश हो सकती है। आज का संस्कृति संदेश पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। मैं बड़े गर्व से ये तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया है उसके आधार पर इतना तो अवश्य ही कह सकता हूँ कि उससे ऐसे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो छोटी सी सुविधाहीन जगह रहकर कुछ करने की सपने देखता है। ये विचार थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। ये बात सही है कि कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। वे राष्ट्रपति बने, मैं समझता हूँ कि उससे पहले वे राष्ट्र रत्न थे, और ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति पहले राष्ट्र रत्न बने और बाद में राष्ट्रपति पद को स्वीकार करे। सादे जीवन के साथ उच्च विचारों के धनी डॉक्टर कलाम ने सिखाया था, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। उनके ये विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण से घर में जन्मे कलाम ने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने 4 दशकों तक DRDO और इसरो को संभाला। देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास प्रयासों में अग्रणी रहे। बाद में बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना गया। देश के परमाणु परीक्षण में मुख्य भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम साहब के जीवन की स्वयं की यात्रा तो सामान्य गरीब परिवार से निकले यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो जिस क्षेत्र में गए वहाँ भी वैसे ही हाल था। अभी हमने देखा एक फोटो, रॉकेट का एक पार्ट साइकिल पर ले जा रहे थे, यानी इंस्टीट्यूट भी उतनी गरीब थी, उस गरीबी वाले इंस्टीट्यूट से जुड़ करके इतनी बड़ी विशाल संस्थाओं का निर्माण कर दिया। सिर्फ पोतान अपना व्यक्तिगत जीवन गरीब झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक आया था नहीं, जहां गए वहां जहां था उसको उत्तम और बड़ा बनाने का भरपूर सफल प्रयास किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र में कई पुरस्कारों के बाद इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दुनिया को उन्नति की राह दिखाने वाले डॉक्टर कलाम की 27 जुलाई 2015 को व्याख्यान देते समय मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी दी शिक्षा आज भी सभी को प्रेरित कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण 3 बजे तक स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 2400 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज ताजिकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन आज 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। देश में अब तक 44,19,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% हुई। ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन महिलाओं की वेल्टरवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के ग्रुप ए के अंतिम मैच में ब्रिटेन के डेनलिन और सी वेंडी को हराया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।